माय चैनल अंकित स्टाइलिंग टिप्स आप लोगों का स्वागत है। तो जैसे कि सर्दी के टाइम है और वैलेंटाइन डे भी चल रहे हैं, तो वैलेंटाइन डे में क्यों ना हम आपको फेस पैक एक बताते हैं जो कि बहुत यूजफुल है और आपको जल्दी रिजल्ट देगा। वो क्योंकि ड्राइनेस की समस्या सर्दियों में सबके साथ ही प्रॉब्लम होता है, तो सर्दियों में ज़्यादातर विंटर के सीजन में स्किन के ड्राइनेस प्रॉब्लम होता है, जैसे कि प्रदूषण की वजह से और हमारे ज़्यादा स्किन ड्राई हो जाते हैं। लिहाजा आपके चेहरे में हमेशा डल ही दिखते हैं और मुरझाए हुए चेहरे नजर आते हैं। मार्केट में कई तरह के केमिकल क्रीम मिलते हैं जो कि स्किन को हाइड्रेट कर हमारे डल को हटा देता है। वो कुछ ही देर के लिए होता है, लेकिन इन क्रीम का असर ज़्यादा देर तक नहीं रहता, फिर उस दोबारा हमारे चेहरे रूखे सूखे हो जाते हैं विंटर में। अगर आप परमानेंट ग्लो चाहते हैं अपने चेहरे में, तो कच्चे दूध से आप करें ये फेशियल, जो कि बहुत रामवाण है। कच्चे दूध के से तैयार कुछ देसी नुस्खे हम बताएंगे आपको, तो जो कि ड्राइनेस आपकी दूर होगी। विंटर स्पेशल है और वैलेंटाइन डे में भी आप यूज़ कर सकते हैं ये रेमेडी। यह नुस्खा आपको अंदर से मॉइस्चराइज बनाती है और चमकदार बनाती है। चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो हम सबसे पहले एक केला लेंगे, तो केला देख सकते हैं कि बहुत पक गया है हमारा, और एक छोटे से पीस हम ले लेंगे केला का। केला को हम ऐसे मैश करेंगे तो उसमें लम्स रह ही जाते हैं, तो हम इसको कद्दूकस कर लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रहेंगे और हम आसानी से अपने चेहरे पर लगा सकेंगे इसे। तो देखिए हमने कद्दूकस कर लिया है केला को, तो हमें ज़्यादा केला की ज़रूरत नहीं। अपने फेस अकॉर्डिंग आप केला ले लीजिएगा। और ये है एक बॉल में हमने डाला है 1 टेबल स्पून मिल्क, तो रॉ मिल्क है ये, तो कच्चा दूध है, तो कच्चा ही दूध आप अपने चेहरे पे लगाया कीजिए और दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए हमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट इसमें ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली केला तो सबके घर आता ही और दूध सबके घर रहता ही, तो होममेड रेमेडी ही हम ज़्यादातर यूज करते हैं इसमें, और मेरे वीडियो में आपको होम रेमेडी ही ज़्यादातर मिलेगा। ऐड करेंगे हल्दी, और हल्दी को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें, तो हमारा फेस पैक बनकर रेडी हो गया है। तो बहुत आसानी से आप इसे अप्लाई कर लीजिएगा, और केला भी ऐसे भी हमारे स्किन को भी ग्लोइंग करता है। हम हेयर पे भी अपने मास्क के अनुसार लगाते हैं केला को, और खाने में भी हमें बहुत विटामिन मिलता है। चलिए हम फेस पे अप्लाई करते हैं। फेस को मैंने अच्छे से धो लिया है और इसे हम अप्लाई करेंगे। तो आप चेहरे को अच्छे से साफ कर लीजिएगा, और फिर आपके ब्रश की सहायता से या हाथों की सहायता से अब अपने फेस पैक को लगा लीजिएगा। अगर आप परमानेंट चेहरे पर ग्लो चाहते हैं तो कच्चे दूध आपकी मदद कर सकता है। डिहाइड्रेट की समस्या कच्चे दूध से ही दूर होता है और निखार भी देता है। यह नुस्खा आप अंदर से मॉइस्चराइज भी करता है और आपके चेहरे को निखार भी देता है और चमकदार बनाता है। इसे आप गर्दन फेस पे 20 मिनट तक लगाकर छोड़ दीजिए, और गुनगुना पानी से ही इसे हमें धोना है, तो दूध और केले की मिश्रण त्वचा को हाइड्रेट रखने में भी मदद करता है। चेहरे पे अच्छे से अप्लाई कर चुके हैं और इसे हम सूखने देते हैं 20 मिनट तक। अब हमारा ड्राई हो चुका है, हम फेस को वॉश भी कर आ गए हैं। तो देख सकते हैं कि हमारे स्किन में इतने अच्छे ग्लोइंग आए हैं। तो होम रेमेडी आप भी यूज कर सकते हैं और अपने स्किन पे ग्लोई और हाइड्रेट कर रह सकता है आपका स्किन, ड्राइनेस बिल्कुल नहीं आएगा। फ्रेंड्स, तो कैसा लगा आपको केला और दूध का फेस पैक, जो कि बहुत रामबाण है। केला हम वैसे भी खाते हैं, उसमें सारे हमारे विटामिन होते हैं, तो आप केला और दूध का भी फेस पे अप्लाई कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे आपको। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा होम रेमेडी। आई होप आपको अच्छा लगेगा ये होम रेमेडी। तो फ्रेंड्स, चैनल में हैं अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल ना भूलिए, ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट टिप के साथ। हैप्पी वैलेंटाइन डे गाइज़।